हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन करेंगे जो आपको पेज नंबर 207 पे दिया गया। ऑलरेडी काफ़ी सारे जो नए बच्चे को बता दूं, ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, 4 और 5 मैंने आपको करा दिया था। अगर 3, 4 और 5 आपने अगर देखा रहेगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है 3, 4, 5 हम देख लें, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन में अगर देखा जाए तो अगर 3, 4, 5 में हम क्या कर रहे थे, जैसे कैशबुक बना रहे थे और पासबुक बना रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टली आपको कैशबुक दिया गया और पासबुक दिया, हालांकि पूरा सम तो मैंने नहीं लिखा है। आपको बस करना क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब सेम टू सेम है, सेम टू सेम रहेगा तो उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। जैसे कैशबुक का रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया है 10,000, यहाँ पर भी बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया है 10,000, मतलब ये 10,000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेम एज यहाँ पर अपर्णा कितना दिया है 5,000 और यहाँ पर देखो अपर्णा दिया है नहीं, अपूर्वा दिया गया, और देखो यहाँ पर अपूर्वा कितना है 6,000 और यहाँ पर भी अपूर्वा कितना है 6,000, मतलब अपर्णा नाम दिया नहीं गया तो कहीं नहीं, अपूर्वा देखो यहाँ पर 6,000 और यहाँ पर 6,000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बचा कैशबुक की रिसीव साइड पे, अपर्णा कितना बचा 5,000 और यहाँ पर राजू कितना बचा 2,000 बचा, मतलब नाम सेम सेम रहेगा उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। सेम यहाँ पे ऐसे यहाँ पर भी तेजल देखो कितना है 12,000, यहाँ पर तेजल दिख रहा है जी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अनिल 3,000 तो यहाँ पर देखो अनिल हाँ दिखा। सेम ऐसे देखो पेमेंट साइड यहाँ पर अनिल 3,000, यहाँ पर भी अनिल 3,000, नाम और अमाउंट क्या रहना चाहिए सेम, यहाँ पर बैंक चार्जेस यहाँ पर बैंक, अभी यहाँ पर देखो दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, मतलब आपकी मर्जी। अगर आप कैशबुक का अगर इस साइड देखोगे मतलब क्रेडिट साइड, मतलब आपने अगर लेजर किया रहेगा, लेजर में पता है बैलेंस इस तरफ आता है, यही बैलेंस कहाँ पर इस तरफ क्या होता है ट्रांसफर होता है, मतलब ये जो बैलेंस है तुम बोलोगे सर पेमेंट साइड पे आया तो ओवरड्राफ्ट जी नहीं, ये एक्चुअली रिसीव साइड का बैलेंस है, बैलेंस आपने लेजर में देखा रहेगा, ये अगर क्रेडिट में आया तो कहाँ ट्रांसफर होता है डेबिट में, अगर डेबिट में आया तो कहाँ ट्रांसफर होता है क्रेडिट में, मतलब ये कहाँ आया था अपने लिए पेमेंट साइड पे तो कहाँ ट्रांसफर होगा रिसीव साइड पे आएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 9,800 और यहाँ पर क्या लिखते हैं टू बैलेंस क्या लिखते हैं हम ब्रॉड डाउन लिखते हैं, क्लियर है आप सभी को पता चल गया रहेगा, इस बैलेंस क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट साइड, मतलब ये एंट्री यहाँ पर कितना है 9,800। और हम याद करो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में क्या था, कौन सा ट्रांजेक्शन हमने क्या किया है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कहाँ पर एंट्री पास करना बाकी, मतलब ये देखो अपर्णा कहाँ पर लिखा है अपने कैशबुक की रिसिप्ट साइड तो कहाँ पर एंट्री पास करना रहेगा, पासबुक की रिसिप्ट साइड पर एंट्री बाकी रहेगा, मतलब ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगा। ये राजू कहाँ पर है क्रेडिट में, यहाँ पर रिसिप्ट साइड की क्रेडिट में तो कहाँ पर आ जाएगा कैशबुक की रिसिप्ट साइड आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर देखो इंटरेस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर कितना है 2,000, यहाँ पर कितना है 2,500, ये एंट्री कहाँ पर है पासबुक की पेमेंट साइड पर तो कहाँ एंट्री पास करना बाकी रहेगा कैशबुक की रिसिप्ट पेमेंट साइड पे चला जाएगा। कैशबुक की पेमेंट साइड पे देखो तो यहाँ पर तेजल कितना था 12,000 और यहाँ पर बैंक चार्जेस कितना था 200, तो ये एंट्री पेमेंट साइड पे तो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है पासबुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी, मतलब ये सारी एंट्री कहाँ पर आ जाएगी इस तरफ आ जाएगी, ये वाली इस तरफ आ जाएगी और वापस से ये वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी इस तरफ चली जाएगी और ये वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी इस तरफ चली जाएगी। और मैंने बताया था जिस तरफ बैलेंस आया वो साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा, मतलब इसको क्या करना है एड लेस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एड और ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, मतलब जिस तरफ बैलेंस रहेगा वो साइन क्या होता है एड फिर लेस, वापिस से क्या होगा ऐड ही लेस हो जाएगा। डोंट वरी अभी तक आपको समझा नहीं गया तो कोई बात नहीं, मैं बुक में जाके एक और बार आपको सॉल्व कराऊंगा तो वापिस से डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरा एंट्री तो मैंने लिखा नहीं, तुम बोलोगे 28,000 नहीं पूरा मैंने लिखा नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कौन सा एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बस इतना आपको याद रह गया तो कोई भी चीज़ आप इजीली कर सको, मतलब ये वाला एंट्री यहाँ पर आ जाएगा ये वाला एंट्री यहाँ पर आ जाएगा बस ऑलरेडी। चलो फ्रेंड मैं बुक में जाके सम सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली आपको 110% काफ़ी वीडियो अच्छा भी आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कैशबुक कौन सा दिया है, बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक दिया गया है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31st August 2018 हमें बनाना है। जैसा मैंने आपको बनाया था मैं छोटा छोटा यहाँ पर कैशबुक बना दिया, उसके नीचे मैंने क्या बना दिया पासबुक, कैशबुक की डेबिट साइड को क्या बोला जाता है रिसिप्ट, क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा पेमेंट। सेम एज अ पासबुक की जो डेबिट साइड होता है उसको पेमेंट, क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा रिसिप्ट बोला जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन
1 अक्टूबर 2000 क्या दिया गया है, 18 दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया ही क्या है 31 अक्टूबर 2018 मुझे दिया गया, पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। जब भी कभी ऐसा आए, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन नंबर इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3, 4 और 5 कराया, वो कराया रहेगा तो ये आपको डेफिनेटली इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी कभी भी ऐसा दिया रहेगा, ये आपको कैशबुक आपको दिखता रहेगा, यहाँ पर कैशबुक दिया गया है और ये आपको यहाँ पर पासबुक दिया गया है। अभी आपको करना क्या है, देखो दोनों साइड देखना है कि मतलब ये रिसिप्ट ये पेमेंट और ये पेमेंट दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर देखो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया गया, आपको 10,000 दिया गया और यहाँ पर भी कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जहाँ जहाँ बैलेंस आपको सेम मिले वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर देखो अपर ना 5000, यहाँ पर कहीं अपर ना दिया गया है, नहीं देखो अभी यहाँ पर तो अपर ना आ ही नहीं सकता, ये रिसिप्ट और ये रिसिप्ट को कंपेयर है, यहाँ पर अपर ना 5000 यहाँ पर नहीं दिया है। अभी देखो कि यहाँ पर अपूर्वा कितना दिया है 6000 और यहाँ पर भी देखो अपूर्वा कितना दिया है 6000, मतलब दोनों 6000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो ओमकार यहाँ पर कितना दिया है 3000, यहाँ पर कहीं ओमकार दिया है नहीं तो कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर सुनील कितना दिया है 4000, यहाँ पर भी देखो सुनील कितना दिया है 4000, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा नहीं। मतलब यहाँ पर कौन सा एंट्री कैंसिल नहीं हुआ, अपर्णा और कौन सा ओमकार, दोनों एंट्री कैंसिल नहीं हो रही। यहाँ पर टोटल दो एंट्री, कौन सा, एक पहला तो राजू और दूसरा क्या है वहाँ पर सबनेस दिया गया है। क्लियर है, ये दो एंट्री यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पर भी दो एंट्री। अभी सेम एज अ पेमेंट सर का करना है। देखो यहाँ पर तेजस 12000, तो यहाँ पर कहीं तेजस आपको दिख रहा है 12000 नहीं है। यहाँ पर अनिल कितना है 3000, तो ये 3000 और ये 3000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो नाम भी सेम है। क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर बैंक चार्जेस 200, तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया। यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट 2000 यहाँ पर दिया गया है, जी नहीं एडवर्टाइजमेंट का भी दिया है, तुम बोलोगे 2000 तो दिया है, पर ये किस चीज़ का है, टेलीफोन बिल और ये किसका है, एडवर्टाइजमेंट, तो दोनों कैंसिल होगा नहीं। यहाँ पर ड्राइंग कितना बोल रहे हैं 1000 और यहाँ पर भी देखो ड्राइंग 1000, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और फाइनली देखो ये बैलेंस क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है, मतलब ये पेमेंट साइड पर है, तो मतलब बैलेंस कौन सी साइड का रहेगा, रिसीप्ट साइड का। ये बैलेंस आपको पता अगर लेजर में किया रहेगा, इस तरफ बैलेंस आए तो इस तरफ चला जाएगा। सेम एज ये बैलेंस आए कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस मेरे लिए क्या रहेगा, कैरी डाउन आया, तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन रहेगा 9800, आपने लेजर में सिखा रहेगा, ये बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, पासबुक में रिकॉर्ड हुई नहीं, पासबुक में एंट्री ये रिकॉर्ड हुई, यहाँ पर रिकॉर्ड हुई नहीं है। आप देखो कि सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी आई देखो इसको करने की, तो जैसा मैंने यहाँ पर बना के रखा है, कैशबुक बनाया और यहाँ पर पासबुक बना के रखा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर देखोगे तो आपको बैलेंस कितना दिया गया है यहाँ पर, ये कैशबुक का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना आया जो यहाँ पर दिया गया। मैंने बताया था ये तुम बोलोगे सर पेमेंट साइड पे, नहीं ये तो क्या है, खाली जस्ट डिफरेंस आया। हमने अगर आपने लेजर किया रहेगा तो आपको पता है ये बैलेंस इस तरफ आया तो कहाँ चला जाएगा, ये क्रेडिट में आया तो डेबिट में चला जाएगा। ये डेबिट का बैलेंस कितना दिया गया है, 9800 दिया गया, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, ये यहाँ पर बैलेंस लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कितना दिया गया है, 9800 मुझे दिया गया, तो ये 9800 आया और उसको क्या कर दूँ मैं, बॉक्स बना दूँ। क्लियर है, तो ये क्या आ गया, बॉक्स में यहाँ पर बना दूँ। अभी देखो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो ये जो चीज़ें है कहाँ पर आई थी, पासबुक की रिसीप्ट साइड पे आई, तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी। मतलब ये सारी एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड जो बाकी है ना, ये वाली बाकी, तो यहाँ पर बाकी है, देखो यहाँ पर राजू है और यहाँ पर संदेश है, तो इन दोनों का देखो यहाँ पर कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, ये कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। सेम एज ये जो पेमेंट साइड पे आई, ये इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है और यहाँ पर टेलीफोन बिल, मतलब ये एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है, ये सारी एंट्री यहाँ पर कैशबुक में, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुई है तो कैशबुक में रिकॉर्ड करनी बाकी, अगर कैशबुक में ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी है, पासबुक में रिकॉर्ड करनी बाकी। जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये रहेगा, तो डेफिनेटली ये सिंपल है। और हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, तो वही तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे। तो ये देखो ये सारी एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, कैश बुक में, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी रहेगी, पासबुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी। मतलब ये कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर आई, तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, पासबुक की पेमेंट साइड पर, कैश बुक की रिसिप्ट है तो पासबुक की भी क्या रहेगी, रिसिप्ट साइड। मतलब ये एंट्री कहाँ पर है, कैश बुक की रिसिप्ट साइड है, तो कहाँ एंट्री बाकी रहेगी, पासबुक की रिसिप्ट साइड पर एंट्री। मतलब ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हुई तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है, पासबुक की रिसिप्ट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है। तो यहाँ पर पहला कौन है, यहाँ पर
अपर ना कितना दिया गया है, 5000 मुझे दिया गया है, तो क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एंट्री नंबर, यहाँ पर डायरेक्ट ही नाम लिख दूँ, यहाँ पर क्या दिया है अक्टूबर 5 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपर ना ये कितना दिया गया है, 5000 मुझे दिया गया है, क्लियर। आप चाहो तो यहाँ पर एक डेट का कॉलम भी बना सकते हो, मैं तो बनाऊंगा नहीं। ये ओमकार कितना दिया है, 3000, तो यहाँ पर क्या जाएगा ओमकार आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ गया है ये 3000, मतलब ये एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी थी, यहाँ पर रिकॉर्ड करनी हो। सेम एज ये पेमेंट साइड पर आई, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, पासबुक की पेमेंट साइड पर एंट्री बाकी रहेगी। पहला क्या है तेजस, तो यहाँ पर पेमेंट साइड पर वेरी फर्स्ट नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर तेजस आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर तेजस आ जाएगा, अमाउंट कितना है 12000। तुम बोलोगे सर यहाँ पर 2x लिखो, अरे जस्ट ये वर्किंग नोट बना रहे हैं, ये इसका कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक चार्जेस कितना दिया गया है मुझे 200, और क्या दिया गया है मुझे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। आप देख सकते हो ये एंट्री कैशबुक में रिकॉर्ड हुई थी, तो पासबुक में रिकॉर्ड, अभी ये सारी एंट्री जो पासबुक में हो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, कैशबुक में रिकॉर्ड करनी बाकी, मतलब ये पासबुक का क्या है पेमेंट साइड, तो कैशबुक का क्या रहेगा यहाँ पर पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी। पहला यहाँ पर क्या दिया है अनिल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा अनिल आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना, सॉरी अनिल का तो हो गया था, देखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी था और इंटरेस्ट बाकी था, तो पहला क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा 500, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट में लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट कितना है 500 है। उसके बाद क्या है यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है 2000 मुझे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है टेलीफोन बिल कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेलीफोन बिल आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर टेलीफोन बिल अमाउंट कितना आ जाएगा 2000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। आप समझ गए रहेंगे, तो सेम एज ये अगर देखो पे रिसीप साइड पे देखो यहाँ पर कितना दिया गया है मुझे, यहाँ पर राजू कितना दिया गया है, ये रिसीप साइड मतलब पासबुक की रिसीप साइड, तो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, कैशबुक की रिसीप साइड, मतलब ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हुई तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी, यहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी। यहाँ पर राजू कितना दिया गया है 2000 और स्वंदेश कितना दिया गया है 3000 दिया गया है, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा राजू आ जाएगा कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर स्वंदेश आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर स्वनंद आ जाएगा कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, क्लियर है। दोनों के नाम क्या पर यहाँ पर आ गए स्वनंद, नाम भी कैसे रखते हैं स्वनंद, क्लियर है 3000 आ जाएगा, क्लियर है। सेम एज मैंने बताया था जहाँ पर बैलेंस आए उस साइड को क्या रहेगा प्लस रहेगा, बाकी क्या रहेगा माइनस, मतलब ये जो बैलेंस आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पर बैलेंस कितना है 9000, मतलब ये साइड क्या करना रहेगा प्लस करना रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। जैसे मैंने आपको बार बार बताते जा रहा हूँ यहाँ पर आइडेंटिफाई हमें क्या करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, वही तो हमें क्या करना है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो ये जहाँ यहाँ पर प्लस आया यहाँ पर बैलेंस रहेगा वो साइड प्लस, और बाकी क्या रहेगा माइनस, प्लस माइनस रहेगा बस। अब ये सारी एंट्री कहाँ पास करनी है, हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमें पास करनी है। तो सबसे हमें बैलेंस एज पर क्या दिया है कैशबुक, जैसा मैंने बताया अगर ये बैलेंस अगर पेमेंट साइड पर रहता तो मैं क्या लिखता ओवरड्राफ्ट। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर पेमेंट साइड पे नहीं, ये तो जस्ट खाली क्या है डिफरेंस है, उसका बैलेंस कहाँ पर आएगा रिसीव साइड पे आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर मुझे क्या दिया गया है कैशबुक दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पर बैलेंस एज पर कैशबुक कितना आया था 9800, तो डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा 9800। यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होगी ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी लेस, ऐड वाली चीज़ों को ऐड कर दो लेस वाली चीज़ों को लेस कर दो। तो पहले देखो कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखो ये क्या होगी यहाँ पर ऐड होगी, ऐड क्या होगा यह 2000 और 3000, मतलब ये एंट्री कहाँ पर था पासबुक की कहाँ था रिसीव साइड पे एंट्री था, कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है कैशबुक की रिसीव साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, कितना था यहाँ पर 2000 और कितना है 3000, मतलब इसका मतलब क्या हुआ किसी कस्टमर मतलब राजू और स्वनंद ने अपने अकाउंट में क्या कर दिया डायरेक्टली पैसा क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया है, क्लियर है। बट हमने उसको कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, वो एंट्री देखो ना कैशबुक की रिसीप साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है। अगर 3, 4, 5 किया रहेगा तो आपको पता चलेगा मतलब ये एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड है पासबुक की रिसीप साइड पे, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी थी कैशबुक की रिसीप साइड, मतलब यहाँ पर क्यों रिकॉर्ड करनी बाकी है क्योंकि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा क्या कर दिया मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर, उसका एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 1 आ जाएगा, क्या लिखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट
क्या लिख दूँ, ये डायरेक्टली क्या कर दूँ यहाँ पर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, क्लियर है? अपने कौन है ये दोनों कस्टमर से, क्लियर है? कौन दो कस्टमर है? या अभी आप डायरेक्टली लिखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, तो आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने उसको कहा कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है। और दो जन अपने पास कौन से थे, पहला यहाँ पर था राजू, तो यहाँ पर राजू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। दूसरा कौन था अपने पास, वनन कितना था, ये 3000, दोनों को ऐड कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 5000 डायरेक्टली आ जाएगा, क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो दो बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दो। अभी दूसरा देखो ऐड वाला, यहाँ पर देखो ये कितना था, तेजस 12000 था, बैंक चार्जेस कितना है 2000 और एडवर्टाइजमेंट कितना है 2000, मतलब ये एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी। अगर देखोगे तो ये जो सारा था मैंने बताया था ये कहाँ पर था, कैश बुक की पेमेंट साइड पे था, उसका एंट्री कहाँ बाकी था, कैश बुक मतलब ये सारा कहाँ था, कैश बुक की पेमेंट साइड, पासबुक की पेमेंट साइड एंट्री करना बाकी था। ये तीनों के नाम देखो, तेजस है, बैंक चार्जेस है, मतलब ये हमने तेजस को क्या दिया रहेगा, चेक हमने क्या किया रहेगा, इशू किया रहेगा, और ये दोनों कहाँ पर रिकॉर्ड हुए, खाली कैश बुक में रिकॉर्ड हुए है। तो अगर तेजस का हमने चेक दिया वो अभी तक बैंक में आना बाकी है, क्लियर है? हमने तेजस को चेक इशू किया वो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, पासबुक की पेमेंट साइड पे आना बाकी है, तो यहाँ पर वन हुआ। अभी आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो सेकेंड वाला, तो इसको क्या लिखूँ, चेक क्या कर रहा हूँ मैं, इशू कर रहा हूँ, बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, बट क्या है नॉट, मैंने इसको क्या कर दिया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखो तो भी चलेगा, या तो नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, आपको क्या लिखना है, नॉट प्रेजेंटेड लिखो या तो नॉट रिकॉर्डेड लिखो तो भी चलेगा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्लियर है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और नाम क्या दिया है ये तेजस, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, तेजस अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 12000 मुझे दिया गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। थ्री वाला क्या था, ये पैसा हमने कहाँ पर रिकॉर्ड किया था, कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड करना बाकी था, बैंक और एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर लिख सकते हो अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली, तो यहाँ पर लिखोगे अमाउंट रिकॉर्डेड इन, ये क्या आ जाएगा, अमाउंट रिकॉर्डेड इन क्या है, कैश बुक ओनली, यहाँ पर आ जाएगा कैश बुक बट कैश बुक ओनली लिखो तो भी चलेगा, कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ओनली का मतलब क्या होता है, खाली हमें कैश बुक में देखो ना, ये ट्रांजेक्शन खाली क्या था अपने लिए, कैश बुक में ही था। कौन से थे, पहला बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस आ जाएगा, और दूसरा कौन सा था यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर कौन सा नाम आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, और बैंक चार्जेस कितना था 200 और एडवर्टाइजमेंट कितना है 2000, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करके मैं आउटर में लिख दूँ 2200 रुपीज़ में क्या करूँ लिख दूँ, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड करके मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, आउटर में लिख दिया। अब ये सारी चीज़ों को आप ऐड करोगे 5000 12000 प्लस 2200 तो आपको आंसर आ जाएगा 19200 आ जाएगा, 19200 प्लस मुझे कितना करना है ये 9800, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 29000 आ जाएगा, क्लियर है? अब ये ऐड वाली ऐड हो गई, अभी क्या करना है मुझे, लेस करना है, तो लेस वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस मैं लिख दूँ, क्लियर है? ये लेस हो जाएगा। अभी कौन सी चीज़ों को लेस करना है, ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल, मतलब ये सारी एंट्री कहाँ पर थी देखोगे तो आपको पासबुक की पेमेंट साइड, मतलब अमाउंट कहाँ पर, ये सारी रिकॉर्ड कहाँ पर हुई है, पासबुक की पेमेंट साइड पे, मतलब अमाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक, बट हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करनी बाकी है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करनी बाकी है, तो यहाँ पर लिखोगे अमाउंट पेड बाय द बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, या तो अमाउंट, अरे ये पैसा पे करना, मतलब पे करना बाकी था, तो अमाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री नंबर में फर्स्ट लिखूँ क्या आ जाएगा, अमाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ अमाउंट पेड कौन कर रहा है, ये पेड बाय बैंक कर रहा है, पेड बाय क्या आ जाएगा, बैंक कर रहा है, अमाउंट पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, क्या पर रिकॉर्ड किया है, पासबुक ओनली, इसको सारे को कहाँ रिकॉर्ड किया हमने, पासबुक में ही रिकॉर्ड किया है, तो पहला यहाँ पर किसका था, इंटरेस्ट का कितना था, 5000 था, सॉरी 500 है इंटरेस्ट का, उसके बाद सेकेंड क्या दिया गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पैसा दिया है, 2000 दिया गया है, ये थोड़ा अच्छे से लिख देना, इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस यहाँ पर क्या है, टेलीफोन चार्जेस है, क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन
बिल है, सॉरी टेलीफोन बिल कितना है 2000 है। ये देखो ये 2000 प्लस 500 कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। आप सभी को पता चल गया रहेगा ये 2000 प्लस ये 500 आ जाएगा। अभी सेकंड नंबर, अभी देखो ये अपर्णा और क्या है ओमकार, मतलब ये देखो ये दोनों कहाँ पर था। अगर देखोगे तो कैश बुक की कहाँ था रिसीव से, मतलब ये चेक हमने क्या किया है इन लोग को क्या किया है डिपॉजिट किया है, बट अब तक बैंक में आया नहीं है। रिसीव साइड मतलब डिपॉजिट, पेमेंट साइड मतलब क्या रहेगा पेमेंट, तो ये चेक हमने क्या किया यहाँ पर डिपॉजिट किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिट। तो आपको यहाँ पर लिखना है चेक में क्या करो डिपॉजिटेड करो, चेक यहाँ पर आ जाएगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट क्या रहेगा ये नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्रेजेंटेड फॉर क्या आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा। क्लियर, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आ जाएगा। दो भाई का जाप के नाम क्या आप कहते हैं यहाँ पे अपर्णा और ओमकार, तो यहाँ पर मैं लिखूँ किसका नाम आ जाएगा अपर्णा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000 प्लस किसका नाम था यहाँ पर ओमकार, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा ओमकार, कितना था यहाँ पर 3000। इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, प्लस इस दोनों को ऐड करके फिर मुझे इसको क्या करना है माइनस, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 12500 आ जाएगा। इसको क्या करना है मुझे लेस करना है, 29000 में से 12500 गया तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 16500 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऊपर क्या था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर क्या रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर क्या रहेगा सॉरी ये कैश बुक था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर कितना है 16, अगर आप बुक में देखोगे तो ये देखो कितना आया था 16500, देखो जादू हो गया, यहाँ पर भी कितना आया था 16500, यहाँ पर भी कितना आ गया से, मतलब ये अपना आंसर क्या 110% राइट है। मतलब इस हिसाब से आपको करना है, थोड़ा अगर ऐसा समय है तो थोड़ा वीडियो क्या होगा बड़ा होगा और थोड़ा आपको करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट आपको अगर बेसिक आता है कि कौन सा एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है बस वहाँ पर पास कर दो और ऐड ऐड कर दो लेस कर दो फिर आप इजीली आप लिख सकते हो। थोड़ा इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको मीनिंग में बताया था कौन सा चीज़ कहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है, पूरा अगर वो देखा रहेगा तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा रहेगा। चलो फ्रेंड बाय, टेक केयर।